新人胜，我们胜，简单还是复杂？बहुत समय है। रोहन वाला, रोहन है, नवीन वाला आया, देख लो। तो रोहन नवीन वाला सम देख लो, उसमें अपन तो दिया पहला आएगा रोहन टू बिल्स पेएबल 40,000 राइट, परचेज टू रोहन लिखा है, परचेज टू रोहन 40,000, देन रोहन टू बिल्स पेएबल 40,000, दैट इज हैपनिंग ऑन 18 जून, इज दैट राइट, 18 जून 2019, देन 21 सितंबर 21/9/19, 18/6/19 को तो परचेज हुआ है और 18/6/19 को एक्सेप्ट हुआ है, दो एंट्री बोला मैं ना, रोहन टू बिल्स पेबल 40,000। उसके बाद थर्ड वाला 21/9/19 बराबर, उसमें आएगा बीपी नोटिंग चार्जेस टू रोहन 40,350 and 43,50, बट दैट, फिर इंटरेस्ट टू रोहन, इंटरेस्ट इज 800 रुपीज, बट दैट, एंड रोहन टू बैंक दैट इज 1150 पार्ट पेमेंट, एंड देन रोहन टू बिल्स पेएबल 40,000, इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? 24/1/19 को वापस बीपी टू रोहन 40,000 एंड रोहन टू कैश टू डेफिशिएंसी 40/24/16, वो आया, उसने कैश में क्या दिया था, सिर्फ इंटरेस्ट दिया था और नोटिंग चार्जेस, और कुछ भी कैश में दिया नहीं था। इंटरेस्ट कितने पे लिया आपने, 40,000 पे, 12% फॉर 2 मंथ्स, बताया था ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन में नोटिंग चार्जेस देने का नहीं, 40,000 रुपया बिल का पेंडिंग रखा हुआ उसी पे इंटरेस्ट, याद आया ये जमा, लेजर डायरीज ऑन 1/2/1150, बैलेंस परचेज एंट्री है तो बैलेंस की लिखने, बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं, बट दैट ये वाला सॉर्टेड है। नेक्स्ट वाला थोड़ा अलग था, इम्पोर्टेंट था, टफ था, उसमें संजय सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 टू गोविंद एट 10% रेट डिस्काउंट, पहला गोविंद टू सेल्स दैट बी 40,500 आफ्टर टीडी, गोविंद टू सेल्स विल बी 40,500, गोविंद पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली एट कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्टेड 3 मंथ्स बिल, अभी इधर इमीडिएटली दिया हुआ है ना, तो आप सेल्स के साथ क्लब कर सकते हो, अलग अलग दो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, करना है साथ में ही करना है क्योंकि इमीडिएटली दिया हुआ है, तो इसका पता है आप लोग करते थे पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट 11th स्टैंडर्ड, कैसे करते थे 11th स्टैंडर्ड याद है, पहला 45,000 उस पे लेस टीडी 10% विच इज 4,500, ये बचा कितना 40,500, उसमें से 1/3 अमाउंट इमीडिएटली दिया और 2/3 क्रेडिट पे, बराबर है, 1/3 इसका होता है 13,500, ये कैश हुआ, लेस सीडी 1,000, तो आउट ऑफ नेट अमाउंट 12,500 और ये हो गया आपका 27,000, ये क्रेडिट मतलब इसके लिए बीपी आया, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी, तो कंबाइंड एंट्री क्या होगा आपका, कंबाइंड एंट्री होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, याद आया, बीआर का अलग से कैश डिस्काउंट गोविंद टू सेल्स, ये क्यों क्यों मैंने क्लब किया, क्योंकि इधर दिया था इमीडिएट, इमीडिएटली ये दे दिया है ना, मतलब ताबड़ तो पैसा आ गया, तो पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, ऐसा नहीं हो कि आज सेल हुआ और 2 दिन बाद पैसा आया, इमीडिएटली दिया तो पहला कैश डिस्काउंट गोविंद टू सेल, इधर पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट जो करते थे वही है और टोटल आएगा 40,500, अब ये 27 के लिए वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो बी आर टू गोविंद विल बी 27, ऐसा समझा, ये करना है, ये दो एंट्री समझना है, पर कट करके भी चलेगा, कट करके मतलब
सेपरेट क्या किया, यही तो सेपरेट है। नहीं कैश गोविंद अलग किया है, फिर कैश डिस्काउंट बी आर टू गोविंद किया। अच्छा कैश डिस्काउंट टू सेल्स, कैश डिस्काउंट अलाउड टू गोविंद और फिर बी आर टू। ठीक है चल जाएगा, बट हो सके तो ऐसा करो पार्टी कैश का, वो भी रॉन्ग नहीं है, इट कैन वर्क। बट पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट जब भी दिया हो ना, इमीडिएटली जब भी दिया हो ना पेमेंट तुमको सेल्स के वक्त, तो डू इट ऑन पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। ठीक है देन अभी बिल कितने का है आपका 27, सो एंट्रीज विल बी पास एज पर 27। तो संजय एंडोर्स आदेश बिल ऑन द सेम डे इन फुल सेटमेंट ऑफ 27,500, ये पता है डिस्काउंट था। तो आपका एंट्री होगा आदेश टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव, इज इट क्लियर? आदेश टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव 27,500, 27,500। ये वो विशाल कुलीन वाले टाइप का समझा, पता है कुलीन को बिल दिया था और डिस्काउंट रिसीव था, फिर वो बाउंस हुआ था तो डिस्काउंट भी क्या हुआ था रिवर्स, रिमेंबर? So same thing is happening over here. On the due date, the bill was dishonored in by Govind and noting charges paid by Adesh were 450. So ये entry बहुत important थी। यहाँ पे आपकी entry आएगी Govind discount received to Adesh. Noting charges अलग से दिखेगा कि नहीं? 450 drawer है, drawer के ऊपर कभी noting charges अलग से दिखता नहीं है, लेकिन डिस्काउंट तो रिवर्स होगा, क्यों होगा समझ में आया? बिल दिया था तभी डिस्काउंट मिला था, बिल बाउंस हो गया तो डिस्काउंट ऑल्सो रिवर्स। सो बिल था कितने का 27,450 का, तो इधर आएगा 27, इधर आएगा 4,450 बिल था 27 का ना, सर 27,450 विद नोटिंग चार्जेस। हाँ हाँ हाँ, पहले तो बेसिक एंट्री फ्रेम कर लो, गोविंद डिस्काउंट रिसीव टू आदेश, और उसके बाद नोटिंग चार्जेस किसने पे किया? आदेश ने, इसको देना है इससे लेना है, तो दोनों जगह खाली 450 ऐड कर दे, तो ये होगा 27,450, ये होगा 27,900, ऐसा समझ में आया? तो पहला जो बेसिक एंट्री आपने मारा था उसको उल्टा कर, आपने क्या मारा था पहले आदेश टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव, उसको उल्टा करो और एक्सेप्टेंस को उल्टा कर दो, बीआर बीआर कट हो जाएगा 27 का, डिसऑनर में आएगा गोविंद डिस्काउंट रिसीव टू आदेश, और फिर नोटिंग चार्जेस भी है तो वो ऐड हो जाएगा, इससे लेना बाकी है इसको देना बाकी, मतलब पहले आदेश को अपने को 27,500 देना था, लेकिन अभी डिसऑनर होने के बाद 27,950 देना है, 450 नोटिंग चार्जेस का ऐड हो गया। ध्यान रखने वाला बात था कि डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा, विशाल कुलीन वाला याद है, सेम था कंसेप्ट। Then, Govind requested Sanjay to renew the bill. Sanjay agreed on the condition he should pay 5,250 immediately with noting charges. And Govind should accept a 2-month bill along with interest. So, pehla part payment aa jayega aapka, that is cash to Govind will be 5,250 plus noting charges. So, 5,700. Cash to Govind will be 5,700. Kaisa samjha? 5,250 plus नोटिंग चार्जेस, फिर आता है इंटरेस्ट, गोविंद टू इंटरेस्ट, गोविंद टू इंटरेस्ट 1,500, और फिर आएगा बीआर टू गोविंद 23,250। अभी बिल था कितने का 27 का था, 27 में से वो 5,700 दे दिया, तो निकाल दो, तो 21,300 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 1,500, तो 22,800 बिल वैल्यू विल बी 22,800, इज इट क्लियर? नहीं सर 27 का था ना बिल, उसमें से उसने 5,250 बिल का दिया, तो बचा कितना? गोविंद शुड पे 5,250 इमीडिएटली अलोंग विथ नोटिंग चार्ज, हाँ तो 5,250 बिल का दिया प्लस 450 नोटिंग का दिया, टोटल 5,700 दिया, तो 27 माइनस 5,250 कितना होता है 21,750, इतना बिल का कंपोनेंट बाकी है, हाँ प्लस 1,500 रुपया इंटरेस्ट,
तो 22 7 23 2 23 2 कैलकुलेशन से आपका बिल वैल्यू था 27, ये समझ में आया, बिल वैल्यू था 27, उसमें से उसने 5250 दे दिया तो बचा कितना 21750। अच्छा 5250 प्लस नोटिंग चार्ज, 5700 उसने दे दिया कैश में, बचा हुआ बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जा रहा है आपका न्यू बिल के साथ, 23200 ऑफ है, ये आया ना 23200 बिल्स रिसीवेबल टू गोविंद विल बी 23250। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? उसके बाद भी है आगे, गोविंद अग्रीड ऑन दिस कंडीशन अरेंजमेंट विल कैरी थ्रू, संजय पेड द अमाउंट ड्यू टू आदेश, ये एंडोर्सी को सेटल करने के एंड, तो आदेश टू कैश, आदेश टू कैश कितना दोगे आप उसको? 27950 दोगे विद नोटिंग चार्ज। फिर ऑन द ड्यू डेट द रिन्यूड बिल वॉज डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? गोविंद टू बी आर विल बी 23250। इज दिस क्लियर? बराबर है। अब इसका लेजर थोड़ा गम्मत है, इसका लेजर जरा देख लो फटाफट। अब जब गोविंद का अकाउंट बनाओगे, विल यू हैव ओपनिंग बैलेंस? नो, स्टार्ट विथ सेल्स। सेल्स कितने का हुआ था? 40,000। नहीं, गोविंद टू सेल्स इज 27। गोविंद टू सेल्स इज 27। अगर तुमने वो किया है गोविंद टू सेल्स 40,000 पाएंगे तो 40,000। संजय के बुक में गोविंद का काम है, संजय का संजय के बुक में गोविंद का, मैंने लिखा भी था, आई हैव रिटन ना गोविंद अकाउंट लिखा भी है, गोविंद अकाउंट मतलब संजय का बुक में ही बने, सो इन द बुक्स ऑफ संजय गोविंद अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ संजय गोविंद अकाउंट, ऑब्वियसली ना इतने टाइम से कर रहे हो सब, ड्रॉइंग के बुक में ड्रॉइंग का अकाउंट और ड्रॉइंग के बुक में ड्रॉइंग का अकाउंट, सो इन द बुक्स ऑफ संजय टू सेल्स आएगा 27,000, फिर आएगा आपका बी आर टू गोविंद, सो बाय बी आर 27,000। ओके, ये एक ही समय जो आपका टैली नहीं होगा, बाकी सारे लेजर्स आज तक टैली हुए, ये टैली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता दो? देखो सेल किया बी आर आया, फिर बी आर हुआ था एंडोर्स, एंडोर्स के बाद बी आर हुआ डिसऑनर, सो टू आदेश 27450, गोविंद टू आदेश इज 27450, मिला गोविंद टू आदेश इज 27450, फिर पार्ट पेमेंट आया, सो बाय कैश 5700, फिर टू इंटरेस्ट 1500, फिर वापस बाय बी आर 23250, और फिर ये भी बाउंस हो गया तो टू बी आर 23250। अभी आप चेक करोगे ना डिफरेंस टैली नहीं होगा, देखो 23250 आएगा ही आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि बिल जो आपका प्रॉब्लम है इट इज एंडिंग ऑन डिसऑनर, नॉर्मली द प्रॉब्लम एंड्स ऑन आइदर ऑनर, ऑनर या रिटायर एक ही बात है, या फिर इंसॉल्वेंसी कैश बैड डेट टू डेफिशिएंसी, या फिर आपका एक्सेप्टेंस बिल एक्सेप्ट करके छोड़ दिया, तो बाकी सारे सिचुएशन अगर एक्सेप्टेड पे प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, बिल एक्सेप्टेड पे खत्म हो रहा है, डेफिशिएंसी पे खत्म हो रहा है, इंसॉल्वेंसी पे खत्म हो रहा है, ऑनर पे खत्म हो रहा है, रिटायरमेंट पे खत्म हो रहा है, सब जगह आपका सम टैली होगा होगा और एक सिचुएशन में खाली टैली नहीं होगा, कौन सा? डिसऑनर, व्हेन द प्रॉब्लम एंड्स ऑन डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या है? जो बिल आया था तभी अकाउंट सेटल था लेकिन बिल हो गया बाउंस, तो वापस बैलेंस आ जाएगा, उतना पैसा डेटर से लेना बाकी है, तो ये एक ही सिनेरियो ऐसा है जहां पे योर सम विल नॉट टैली, तो व्हाट यू नीड टू डू इज व्हाटएवर द डिफरेंस 23250 लिख देने का बाय बैलेंस सीडी, बीडी नहीं है सीडी, क्लोजिंग है, मतलब अपने को गोविंद से 23250 लेना बाकी है, अपने को गोविंद से 23250 लेना बाकी है, ऐसा है, ठीक है?
टू बैलेंस बीडी लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो ऑप्शन है। बट बाय बैलेंस सीडी लिख के छोड़ देने का, बाय बैलेंस सीडी लिख के छोड़ देने का, समझा? ये जानबूझ के दिया था, ये किसको स्ट्राइक हुआ? टू बैलेंस सीडी नहीं है, रॉन्ग है, बाय बैलेंस का बना दिया। एग्जाम में ये पूरा ही समाने का चांस इज 1%, ऑलमोस्ट 0%। मेरी टेस्ट और बोर्ड्स में खाली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा दिमाग खुले तुम्हारा, टेस्ट में भी नहीं आएगा, एग्जाम में भी नहीं आएगा, खाली एक बार देखा हुआ होना चाहिए प्रैक्टिस। समझ में आया? 92-700 टैली जो 90, टैली तो नहीं होना, टोटल इज 92-700 उसमें टोटल अलग हो जाए। होटल चेंज हो जाए, ऑफिस समझ आया अभी? क्या अलग था सब में? मेन चीज सबसे पहले क्या अलग था? पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट था, वो क्लिक हुआ। पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट के बाद वो विशाल कुलिंग वाला किया था हमने, डिस्काउंट रिसीव डेबिट करना है सेटलमेंट, एंड टैली नहीं। क्यों नहीं हुआ टैली? बिकॉज द प्रॉब्लम एंडेड ऑन दिस ऑन। एक ही सिचुएशन है जिधर लेजर टैली नहीं होता है, व्हेन इट एंड्स ऑन दिस ऑन। बाकी सारे पॉसिबिलिटीज में वो हमेशा टैली होता है, बोर्ड्स में वही आया। आज तक डिसऑनर पे कभी एंडिंग सम आया नहीं। पहले ऐसी प्रैक्टिस के लिए करो, ठीक है? अभी कोई डाउट? हाँ ऐसा सब सर, वो वर्क पे दे तो कुछ चलाओगे ना दिमाग? मैं तो बोर्ड पे बात जाएगा, देखे तुम लेके आया होमवर्क करेगा तो तुमको पता चलेगा, अरे ये क्या है, मेरे को आया अभी, याद रहेगा दिमाग पे, याद रहेगा? चांसेस आर मोर दैट यू रिमेम्बर। बोलो, ऐसा अतरंगी चीज कभी होमवर्क में आएगा और टेस्ट में आएगा? So that you remember. बोलो, any doubt other than this on the homework problems? ये देखो, ये वाला नहीं भी आया तो don't worry, उनको आता है चैप्टर, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो it's not to worry। अभी समझ में आ गया क्या सीन था? पहला वाला आया वो आना चाहिए, कौन सा किया था हम लोग, रोहन वाला, वो आना चाहिए, रोहन और नवीन वाला। चलिए बाकी लेजर्स हो रहे हैं टैली तो होंगे ही सब, चेक इट बाय लीविंग। अभी जाते हैं हम लोग मिक्स्ड एंट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर मिक्स्ड एंट्री। अच्छा, मैंने किसको लिखने को दिया था? वो लोग मान रहे लोग ये बैच के वीआईपी ये बैच के वीआईपी से चैत्य शाह कुछ हारोरा फास्ट भी है का रह गया ना ईमानदारी, उसके बाद वाला दिन ठीक है।
See, what are mixed entries? Understand this concept first. And what are you supposed to do with the problem? So, boards में सबसे पहला chances है कि drawer का entry का है. इसका आएगा? Drawer. उसका majority chances है. उसके बाद mixed entries का chance है. उसके बाद drawer का chance. Drawer का chance बहुत कम है. Drawer वाला चिंदी, PP. बहुत easy. PP आता है ना सब? कुछ है ही नहीं उसमें. अभी मिक्स का मतलब क्या है कि इन प्रैक्टिकल बिजनेस विल यू बी ऑलवेज ड्रॉवर्स और ऑलवेज एक्सेप्टर्स. समटाइम्स यू विल बी ड्रॉवर ऑफ सम. यू आर द क्रेडिटर सो यू आर द ड्रॉवर ऑफ सम बिल्स. वेल यू माइट बी अ डेटर फॉर सम पीपल सो यू माइट बी एक्सेप्टिंग अ फ्यू बिल्स सो यू माइट बी प्लेइंग अ डबल रोल. दोनों होगा तुम्हारा. ड्रॉवर भी होंगे कभी कभी, ड्रॉई भी होगा. तो बी आर भी होगा और बीपी भी होगा. बराबर. तो मिक्स्ड एंट्रीज में दो चीजों का ख्याल रखना. ये गोल्डन रूल है मिक्स्ड एंट्री, याद रख लें. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम दिख जाए मिक्स्ड एंट्रीज का तो पहले आइडेंटिफाई करो. नंबर वन रूल, नंबर वन आइडेंटिफाई वेदर वी आर ड्रॉवर और ड्रॉयर. मतलब बी आर करना है कि बीपी करना है वो सोच लो. कैसे देखने का वो? तो बिल जो होता है ना, बिल, बिल इज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स एक्सेप्टर. Bill is known by the name of its acceptor. अभी इसने बिल एक्सेप्ट किया है, मैंने ड्रॉ किया है. तो यशीज बिल, मतलब यशी इज द एक्सेप्टर या यशी इज एक्सेप्टेंस. तो यशी इज द एक्सेप्टर. भले ही आई एम द ड्रॉवर, बट ड्रॉवर के नाम से बिल नहीं जाना जाता. इसके नाम से जाना जाता है एक्सेप्टर. क्यों ऐसा? मैं तो कल किसी को एंडोर्स कर दिया. वो थर्ड पार्टी, वो फोर्थ पार्टी, वो फिफ्थ पार्टी, दस पार्टी को एंडोर्स हो, दसवीं पार्टी अभी इससे ले. थोड़ी बिल के नाम चेंज होते जाएंगे. बिल विल बी स्टिल नोन बाय द नेम ऑफ यशी. अल्टीमेटली पैसा किसको देना है? यशी. तो बिल इज ऑलवेज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स एक्सेप्टर. ये बात बैठा दिमाग में. अभी प्रॉब्लम देखो आप. सम नंबर 16 देखो, पेज 8. सम नंबर 16, राजसंगानी. सम नंबर 16 पहले देखो सर. ऑल ऑफ यू लुक एट सम नंबर 16. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमर. आलि उधर. वी आर हू? अमर. अभी अमर के बुक्स में लिख रहे हैं तो वी आर अमर. अभी अमर के बुक में ऐसा दिया है कि राजेश इज एक्सेप्टेंस, रमेश इज बी आर, संजय इज बिल. तो वो कौन हुए? वो सब ड्रॉ ही हुए. तो हम कौन हुए? ड्रॉ. तो बी आर करना है. लेकिन अमर योग में दिया अमर एक्सेप्टेंस, तो बीपी हुआ. हम ड्रॉ ही हुए. या अवर एक्सेप्टेंस, अवर मतलब भी हम ही हुए, तो भी वो बीपी हो गया. तो एक पेंसिल ले लो. अमर एक्सेप्टेंस पहले लाइन, तो बीपी. तो यहां पे बीपी का एंट्री. नहीं, नहीं.